अभ्यास 3.3 देखो। पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर तुहानू दस्या सी मैं कि सामने वाले भुजां बराबर ते समांतर होने चाहिए। हरेक कथन की परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करो। परिभाषा तुहानू मैं लिखवाई सी कि उहदे हिसाब नाल सारा आपां काम करना है। पहला देखो, ए डी बराबर है डैश। ए डी किहदे बराबर आ? सामने वाली भुजा बी सी दे बराबर, ठीक है, डैश आ गया बी सी। कौन डी सी बी? डी सी बी जिहड़ा अपने कोल सेंटर च हुंदा है, सी सेंटर च, मतलब इस कोण की गल की हुई है। डी सी बी ए कोण किहदे बराबर कहता? डी ए बी। देखो डी ए बी मतलब आ वाले कोण दे, तुहानू लिखवाया सी कि सामने वाले कोण हमेशा बराबर हुंदे आ, ठीक है। इस करके ये जिहड़ा कोण आ आ वाला कोण ए दे बराबर लै लिया आपां डी ए बी दे। हुण देखो ओ सी, ओ सी किहदे बराबर आ? ओ ए दे। क्यों? क्योंकि विकर्ण जिहड़े आ इक दूजे नूं समतु भाजित करदे आ समांतर चतुर्भुज विच, इस करके ओ सी जिन्ना हिस्सा इधर आया उन्ना हिस्सा इधर आ। उस तों बाद कोण डी ए बी, डी ए बी आ वाला कोण जमा सी डी ए, सी डी ए आ वाला कोण, दोनों कोणां दा जोड़ किन्ना होना? 180 डिग्री। लागमी कोण आ, क्योंकि लागमी कोणां दा जोड़ समांतर चतुर्भुज दे विच हमेशा हमेशा 180 डिग्री हुंदा ना। उस बाद सैकेंड क्वेश्चन देखो, समांतर चतुर्भुज दित्तियां होईयां थल्ले, एक्स वाई जैड दा मुल पता करना तुसीं। पहला क्वेश्चन देखो, अपने कोल समांतर चतुर्भुज दित्ती हुई है, इहदे विच देखो कि एक समांतर चतुर्भुज आ। हुण समांतर चतुर्भुज विच जिहड़े तुहानूं मैं लिखवाए सीगे परिभाषा दे विच पॉइंट्स लिखवाए सी, उहदे हिसाब नाल काम करना। सब तो पहला देखो, 100 ते 22 सामने कोण आ? सामने कोण आ हमेशा बराबर होंदे आ, इहदा मतलब कोण डी ते कोण बी बराबर आ, वाई बराबर है 100 आ गया इत्थों सीधे। तो जिहड़े लागमी कोणां जोड़ हुंदा उह हमेशा 180 डिग्री हुंदा, मतलब जैड जमा 100 बराबर 180, एक्स जमा 100 बराबर 180। यही कर लिया, लागमी कोणां जोड़ हमेशा 180 डिग्री हुंदा, कढ के उत्थों एक तो पासे जैड आ गया एक पासे एक्स आ गया, आंसर वाई आपां पहले कढ लिया। सैकेंड क्वेश्चन देखो, इहदे विच आ समांतर चतुर्भुज दित्ती हुई है, इहदे विच देखो पहला जे 50 दिता होया, इहदे नाल 50 ते वाई दोनों लागमी कोण आ, इधरों 50 ते एक्स भी लागमी कोण आ, मतलब 50 ते वाई दा जोड़ भी 180, 50 ते एक्स दा भी जोड़ 180, लागमी कोणां दा जोड़ 180 हुंदा समांतर चतुर्भुज दे विच। इह चीज़ ध्यान दे विच रखणी कि समांतर चतुर्भुज दे विच ही इह चीज़ हुंदी है, ठीक है। तां इत्थों की आना अपने कोल, देखो वाई निकल आया, 150 नूं उधर लै गए, इधरों 50 नूं उधर लै गए, वाई 130 इधरों एक्स 180। वैसे भी दोनों आप सामने वाले कोण आए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, देखो बराबर आंसर आ गया। उस तो बाद जैड पता करने लिए देखो अंदर वाला कोण, जे बाहर वाला कोण जैड है तो अंदर वाला 180 चो जैड नू माइनस करके, हुण ए वाला कोण 180 माइनस जैड ते 50 सामने वाले कोण है, दोनों आपस बराबर होणगे, 50 बराबर 180 डिग्री माइनस जैड किन्ना आ गया अपने कोल, जैड नू इधर ले आके प्लस तो कर लिया, 50 नू दूजे पासे लै गए माइनस तो हो गया, जैड भी अपने कोल किन्ना आ गया 130 डिग्री, ठीक है, बाहर वाला कोण 130 डिग्री आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, इहदे विच आपां नूं एक्स वाई ते जैड दित्ते हुए आ। देखो त्रिभुज पहला मैं आ लै ली ओ ए डी, इहदे विच की है क्योंकि सब तो पहला देखो, पहला तुहानूं एक्स कढ़ना पैणा ना इस त्रिभुज नूं भी करन तों पहला। देखो आ वाला कोण ते इह वाला कोण शिखर सन्मुख कोण आ, शिखर सन्मुख कोण कदों बनदे? जदों दो रेखावां एक दूजे नूं कटदियां, जिदां इहदे सामने वाला कोण इह, इहनूं बोलदे शिखर सन्मुख कोण, इह दोनों बराबर होणगे, जे ए 30 है तो ए भी 30 होएगा, इधरों आ दोनों कोण आपस बराबर होंगे क्योंकि ए भी शिखर सन्मुख कोण है, जे 60 तो ए भी 60 होएगा, ठीक है। शिखर सन्मुख कोण बराबर होंगे आ, इहदा मतलब एक्स ते आ सामने है 90 डिग्री, तो एक्स ते 90 डिग्री आपस बराबर, मतलब एक्स किन्ना आ गया 90 डिग्री। देखो आ कोण 90 डिग्री आ गया। हुण जिहड़ी त्रिभुज दे विच आ जाओ, हुण इहदे विच देखो आ कोण 90 आ गया, ए 30 है तो वाई कट सकते हैं क्योंकि उत्थे कोण दे तिन्नां कोणां जोड़ अपने कोल 180 हुंदा, उहदे विच अपने कोल वाई जमा एक्स जमा 30 बराबर 180 डिग्री, एक्स का मुल 90 डिग्री उपर कढ़िया होया, करके 90 ते 30 नूं जोड़ लिया 120, दूजे पासे लै गए 180 चों 120 नूं माइनस किया 60, तो वाई आ गया अपने कोल 60 डिग्री। हुण उस तों बाद की कीता, हुण इस त्रिभुज नूं ते इस त्रिभुज नूं आपां दोनों नूं सिद्ध कर देना कि सरभंग सम आ। सरभंग सम दा मतलब कि सारे अंक बराबर आपां सिद्ध कर देने आ, ठीक है। सी सरभंग सम तां कीती आ तुहानूं मैं सत्तवीं क्लास विच तुहानूं करवाया एस एस ए, जिहदे विच रूल लाया सी आपां एस एस एस, ठीक है, ए एस ए, ये तुहानूं याद होणगे, ये वाले आपां उदों कीते सी सरभंग समता दे विच रूल, ठीक है। इहदे विच मैं कीता
देखो ओ बी ते ओ डी आपस बराबर आ, आह वाले दोनों भुजावां बराबर आ, क्यों? क्योंकि विकर्ण जिहड़े समदुभाजी करदे आ, तां जिन्ना हिस्सा इधर होना उन्ना हिस्सा इधर। उस तो बाद ओ ए बराबर है ओ सी, यह भी विकर्ण आ, ये भी दो बराबर हिस्से होणगे, दो भुजावां ते इक कोण, उन्हां दे विच वाला कोण आ गया बराबर। तो यह कहड़ा रूल हो लग गया अपने को, साइड एंगल साइड अनुसार, है ना, इस रूल के अनुसार की है दोनों त्रिकोण जिहड़ियां सरबंक सम आ गईयां। जो सरबंक सम होण तो हर एक कोण भी आपस बराबर होणगे। इह मेरा आह वाला वाई ते जैड भी आपस बराबर आ, उत्थों वाई किन्ना अपने को पिछे कढ़िया 60 डिग्री, तो अपने को जैड आ गया 60 डिग्री आंसर।